बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि NTS की जानिब से जो टीचर्स की और एजुकेटर्स की भर्तियों की अनाउंसमेंट की जा चुकी हैं, उसकी तफसीली मालूमात क्या हैं और आप लोग NTS टीचर्स और एजुकेटर्स की नौकरी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग भी बेरोज़गार हैं और एक अच्छे रोज़गार के तलाश में हैं और NTS की जानिब से टीचर्स की नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। NTS ने बाकायदा तौर पर अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या तालीमी काबिलियत होगी और सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस आप डेली देखना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं कि NTS की जानिब से जो टीचर्स की और एजुकेटर्स की नौकरियों की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, उसकी तफसीली मालूमात क्या हैं और अप्लाई करने का तरीका कार क्या होगा। तो दोस्तों, जॉब पर अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र जो है सिंपली वो ओपन कर लें और उस ब्राउज़र के सर्च बार में जाएँ और वहाँ जाने के बाद आप लोग टाइप करें हमारी वेबसाइट का नाम JOBS Jobs ROZ ANA। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में और इसको सर्च करेंगे, तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आएगा। आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है जॉब रोज़ाना। और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान भर से लातादाद नौकरियों की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं, चाहे वो जॉब प्राइवेट हों, गवर्नमेंट की हों या किसी भी NGOs वगैरह में हो। तो आप लोग सबसे टॉप पर टाइटल देख सकते हैं, इसकी वीडियो बनाकर भी मैं कुछ देर तक अपलोड कर दूंगा, जो कि नई अनाउंसमेंट की जा चुकी है वफाकी हुकूमत की जानिब से। हम बात कर रहे हैं NTS में टीचर्स की जॉब्स की जानिब से, तो आप लोगों ने NTS टीचर जॉब 2022 के टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी, इन तमाम मालूमात के डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब कौन कौन से टीचर्स की नौकरियाँ हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने और आपके पेज के ऊपर मौजूद हैं और आप लोगों ने इन डिटेल्स को फॉलो करना है। और अप्लाई करने से पहले कुछ डिटेल्स यहां पर दी जा रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग जो हैं वो किसी के मोहताज ना रहें, खुद से आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। उसके बाद दोस्तों कुछ डिटेल्स और जानने के लिए आपको पेज को मज़ीद स्क्रोल करना पड़ेगा। पेज को स्क्रोल ज़रूर करें ताकि आप लोग इन्फॉर्मेशन से बाखबर रह सकें। उसके अलावा दोस्तों डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जॉब्स के टाइटल भी मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीचर्स में कंप्यूटर टीचर्स की जॉब ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैं, PTI की हैं, इस्लामियात की हैं, सोशल स्टडीज़ की हैं और उसके अलावा जो आप लोग देख सकते हैं कि साइंस टीचर्स की भी जॉब्स मौजूद हैं। NTS के थ्रू इसकी अनाउंसमेंट की गई है, 17 को इसकी अनाउंसमेंट की गई है, 7 जुलाई लास्ट डेट है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं और टीचर्स की जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स होती हैं और ये फुल टाइम की जॉब्स होंगी। तो दोस्तों आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए कुछ डिटेल्स, कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि NTS के हवाले से हैं। अगर आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। बाकी उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने मौजूद है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास के टीचर्स की जॉब मौजूद हैं, सैलरी पैकेज वगैरह मौजूद है, चलान फ़ीस वगैरह लिखी हुई है कि 450 रुपये चलान फ़ीस है। NTS का बाकायदा यहाँ पर मैंशन है, तो आप लोगों को क्लैरिफिकेशन ये हो गई होगी। उसके बाद दोस्तों अप्लाई करेंगे आप लोग ऑनलाइन, उसके लिए आप लोगों ने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के
बटन के ऊपर। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे NTS के उस पेज के ऊपर जहाँ पर नौकरियों की डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने करना है ओपन एप्लीकेशंस। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, और उसके बाद ये डिटेल आप लोगों के लिए मौजूद है। तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आप लोग अपने आप को सबसे पहले करेंगे साइनअप। साइनअप का बटन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों ने साइनअप के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो जब आप साइनअप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ डिटेल्स आप लोगों के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि किस जॉब के लिए आप लोग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा PTI मेल के लिए, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स के टाइटल मौजूद हैं। आप लोगों ने जिस सीट के लिए अप्लाई करना है आप लोग उसको यहाँ से सेलेक्ट करें, पासवर्ड दें, और उसके अलावा डिज़ायर्ड पोस्ट करें, कंफर्म CNIC नंबर करें, और इसी चीज़ को आप लोगों ने इस फॉर्म के ऊपर कॉपी करना है। लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल करेंगे, सारी डिटेल्स देंगे, चलान फॉर्म आएगा, चलान फॉर्म को जनरेट करेंगे, चलान फॉर्म को बाहर प्रिंट के ज़रिए ले लेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने चलान फॉर्म को बैंक में जमा करवा देना है। चलान फॉर्म की एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, और उसी कॉपी को आप लोगों ने फॉर्म के साथ जो है वो अटैच करना है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को अटैच करना है, और लास्ट डेट से पहले पहले मौजूद एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो दिए हुए एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जल्दी से हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएँ और हम आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प कर सकें हर जॉब के हवाले से। बाकी दोस्तों को वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।